तो गाइस इस मैं हूँ कि तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क तो भाई काफ़ी क्लोज हम लोग पहुंच चुके हैं बैड ब्लड के सुबह में साढ़े तीन बजे लाइव देखने को मिलेगा हाइव बहुत भयंकर है अब ऐसे में रोमन रेंज भाई अपना आखिरी रिएक्शन शेयर करते हैं बैड ब्लड के ऊपर आखिरी बार रोमन ने कॉमेंट करा आई अज्यूम एंड फाइनल मैसेज क्या है रोमन का वो देख लेते हैं ट्वीट करते हैं ट्राइबल चीफ लिखते हैं टू नाइट वि सो दैम नो वर्ड्स नीडेड कहते हैं कि आज हम उन्हें दिखाएंगे वर्ड्स की जरूरत नहीं है ज़्यादा कुछ लिखते नहीं हैश टैग लगाते हैं बैड ब्लड का हैश लगाते हैं ओ का रोमन कहते हैं टू नाइट वी सोद देम अब यहाँ पे वी में खुद को इंक्लूड कर रहे हैं ऑब्वियसली कोडी को भी कर रहे हैं कहते हैं कि हम दिखाएंगे उनको यानी कि सोलो सिकवा जेका फाटू को कि कौन है ये लोग कोडी ने भी कहा है मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया कि कुत्तों की मार मारेंगे बैड ब्लड के अंदर ब्लड लाइन को तो ऐसे में भाई दोनों सेम पेज पे दिख रहे हैं लेकिन क्या मैच के अंदर को एग्जस्ट कर पाएंगे वो देखना होगा कहते हैं नो no वर्ड्स नीडेड यानी कि ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे रिंग के अंदर भिरेंगे रिंग के अंदर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है तो ये है ओ का फाइनल मैसेज बिफोर डब्ल्यू डब्ल्यू बैड ब्लड ट्वेंटी आगे बढ़ते हैं क्या बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डायमिड पिस्ट एंड फिन बैरा को लेके तो भाई इनका जो मैच हमें देखने को मिलने वाला है बैड ब्लड के अंदर अभी एक नॉर्मल मैच नहीं है आई मीन स्टिपुलेशन भी नहीं है मतलब नॉर्मल डब्ल्यू डब्ल्यू के हिसाब से देखो तो डब्ल्यू डब्ल्यू को यहाँ पे इस मैच से फायदा होगा एक्स्ट्रा बिकॉज इस मैच के लिए भाई हमें एक स्पॉन्सर देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो ड्रैगन बॉल्स पार्किंग जीरो इज एन ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर डायमेंड प्रिस्ट वर्सेज फिन बैलर टू नाइट एट बैड ब्लड यानी कि इस मैच के दौरान आपको भाई बहुत ही सारी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंडे वाला मैच अब डब्ल्यू डब्ल्यू को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला है मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इन लोगों ने सीएम पंक एंड मैकेर का हेलिनसल मैच स्पॉन्सर क्यों नहीं किया या फिर अपना मेन इवेंट क्यों नहीं स्पॉन्सर किया ये सबसे आई थिंक सबसे कम हाइप मैच है जिसको इन्होंने स्पॉन्सर किया है या तो इनका बजट ही इतना होगा आई डोंट नो भाई क्या है, क्या है क्या नहीं लेकिन फिलहाल भाई इस मैच से WWE अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी बिकॉज ये वाला जो मैच है भाई एक स्पॉन्सरशिप वाला मैच बन चुका है आगे बढ़ते हैं क्या बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई अपनी रिलेटेड है बैड ब्लड के मैच कार्ड से एक बार आखिरी बार देख लेते हैं भाई मैच कार्ड हम लोग बैड ब्लड का कोई भी चेंजेस नहीं है कुछ भी बदलाव नहीं है लेकिन एक आखिरी बार मैं आपको बता देता हूँ भाई कौन कौन से मैचेस ऑफिशियली कंफर्म्ड है तो भाई अपना मैच है सीएम का स्टार्ट करेगा बताया जा रहा है हैली नसल मैच ये डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू ने खुद से अनाउंस करा है एंड इसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है अपना डायमंडस्ट एंड फिनबेरा का मैच ये वाला मैच जो अपना होने वाला है भाई एक सिंपल मैच है बस यहाँ पे स्पॉन्सर इन्होंने ऐड कर दिया है देन यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू ने कन्फर्म किया सार्क केज मैच लिव मॉगेन एंड रिया रिप्री के बीच का जहां पे सार्क केज के अंदर डोमिनिक होने वाले हैं नया जैक्स एंड बेली का मैच होने वाला है नयाजैक्स डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल को ये चौथा मैच है एंड पांचवां और अपना आखिरी मैच मेन इवेंट अपना रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेज सोलो सिक्वा एंड जेकअ फाटो यानी कि ब्लड लाइन तो ये पांच मैच है भाई कार्ड के अंदर सो के अंदर भाई होस्ट के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे बियांका ब्लेयर जेड कारगिल एंड नयोम

आगे बढ़ते हैं कैसे बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मंडे रॉ को लेके तो भाई क्या मंडे नाइट रॉ का न्यू लोगो रिवील हो चुका है स्मैकडाउन का न्यू लोगो हमें देखने को मिला एनएक्स का भी हमें देखने को मिला एंड क्या अब बारी है मंडे नाइट्रॉ की तो भाई लगता है ऐसा ही कुछ है बिकॉज आप देख सकते हो फ़ैंस ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि रिसेंटली डब्ल्यू डब्ल्यू ने जो कुछ नए सेट्स अनाउंस करे हैं टॉय सेट्स उसमें भाई एक नया लोगो हमें देखने को मिल रहा है नेटफ्लिक्स मंडे नाइट रॉ का एंड वहाँ पर एक्चुअली उन्होंने प्रिंट करके रखा है इस चीज़ को तो फैंस का मानना है भाई यही अपना ऑफिशियल लोगो होने वाला है एंड जिस तरीके से हमने स्मैकडाउन के लोगों को देखा वो काफ़ी सिंपल एंड सीधा दिख रहा है ज़्यादा उसमें बहुत इन्होंने वो भी नहीं कर रखा है कि चमका रहे हैं चीज़ों को या फिर एक्स्ट्रा कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स एनएक्सटी के साथ भी सिंपल स्ट्रेट लोगो है एंड अभी अगर आप इस लोगों को देखोगे तो शायद ऑफिशियल लोगो हो सकता है रॉ का कंफर्म नहीं कह रहा हूं मैं लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि चांसेस काफी हाई है कि शायद यही ऑफिशियल लोगो होगा लेट्स सी भाई जब डब्ल्यू डब्ल्यू को अनाउंस करेगी तभी पता चलेगा क्योंकि इसमें भी थोड़ा डाउट है कि क्या डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे ही लीक कर देगी ये मुझे नहीं पता तो शायद अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा दिसंबर uh, एंड में हमें आइडिया लग जाएगा ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा फिलहाल भाई ये कुछ है अपडेट मंडे नाइट रॉ को लेकिन नया लोगो तो आने वाला है उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन क्या यही है नया लोगो वो देखना होगा

जो सोलो एंड जेको फार्टू का मैच होने वाला है एंड कोडी रोड्स ने टीज कर रखा है पैट में क्या सो पे कि आपको एक विनियड एक्सपेक्ट करना चाहिए एक वीडियो पैकेज एक्सपेक्ट करना चाहिए जो कि क्राउन जूल के लिए एक बिग चैंपियनशिप एम्प्लीकेशन मैच सेट करेगा अब ऐसे में भाई एक्सपेक्टेड है कि जब इनका मैच खत्म हो जाएगा शायद शायद अगर रोमन कोडी जीत जाएंगे तो उसके बाद इनको झटका लगेगा एंड शायद वीडियो फुटेज होगी वो रॉक की जो कि प्ले हो रही होगी टाइटेंट्रॉन स्क्रीन पे एंड वहाँ पे जो रॉक है भाई शायद रोमन को भी धमका रहे होंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो एंड कोडी को चैलेंज कर रहे होंगे मे बी मे बी जस्ट मे बी क्राउन जूल के लिए एक्सपेक्टेड है कि जिस वीडियो फुटेज की बात करें शायद वो इनके मैच के बाद एयर हो अगर पहले हो जाएगा तो भाई सब कुछ पता चली जाएगा लेकिन अगर मैच के दौरान तक कुछ नहीं हुआ तो समझ जाना भाई कि शो के एंड में एंड में डब्ल्यू डब्ल्यू कोई वीडियो फुटेज डालेगी एंड मोस्ट लाइकली वो फाइनल बॉस रॉक ही होंगे कैमियो के तौर पे पिछले वीडियो में भी मैंने इस चीज को थोड़ा डिस्कस करा भी देखते हैं भाई फिलहाल रॉक स्टेल जॉर्जिया के अंदर हैं उन्होंने खुद से ही कंफर्म है तो फिजिकली अपीयर ना होना वहाँ पर हो के ये मेरे लिए चीज ज्यादा सेंस बनाती नहीं है होप्स तो है ना सी भाई ये होप्स सैटर होती है या फिर डब्ल्यू दबड़ डब्ल्यू होप्स पे खरी होती है क्या सोचता हूँ भाई कॉमेंट करके बताना क्या होना चाहिए परफेक्ट डायरेक्शन मेन इवेंट के लिए बिकॉज हैल इन असल मैच इन्होंने नहीं डाला है एंड अगर मेन इवेंट बोरिंग निकला नॉर्मल निकला तो फैंस छोड़ने नहीं वाले बख्शने नहीं वाले ट्रिपल एच को क्या आपकी होप्स कॉमेंट करके बताना इस वीडियो के लिए गायर यही सारी अपडेट्स थी आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो मिली हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को अब मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जो कि भाई अपनी लास्ट मिनट अपडेट्स वीडियो होने वाली है बस कुछ देर बाद आ जाएगी वो एक डेढ़ घंटे के बाद में तो उसका भी वेट करना भाई काफी इंपॉर्टेंट होगी आखिरी अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा बाकी बस इस वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फॉलो करें इंस्टा एंड ट्विटर पर तो जरूर से करें लाइव ट्वीटिंग करेंगे भाई ज्वाइन कर सकते हैं वाट्सअप चैनल को उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंडेक्सर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में